खुश आमदीद नाज़रीन, ईटीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ हैं द मेरिड वुमेन की स्टार कास्ट में मोनिका। अब हम उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह का किरदार था आपका, वेब सीरीज़ में क्या कुछ है जो आवाम को देखना चाहिए? सो माई कैरेक्टर, हर नेम इज़ पीपलिका, वो एक मुँहफट लड़की है। वो दिल से सब कुछ करती है, कभी दिमाग से नहीं, कभी दिमाग से नहीं, और कभी भी उसके वजह से वो लाइक वो लेबल आती है उसके ऊपर कि वो रिबेलियस है, वो बेशरम लड़की है। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं, एक्चुअली दिल बहुत ही साफ़ है। आपको एजाज ख़ान की वाइफ का किरदार आपने इसमें निभाया है, तो एजाज ख़ान की वाइफ का जो किरदार है वो एक अलग ही तरह का है। तो आपको कोई परेशानी इस दौरान जब आपने एक्ट किया हो? वो आई वुड से एजाज और पीपलिका के बीच में वो ही प्यार है जो सब लोग ढूंढते हैं ज़िंदगी में, और बहुत कीमती, लाइक इट्स वेरी रेयर लव। मतलब वो ही प्यार है जिसमें बिल्कुल आज़ादी रहता है, लाइक I don't know if that's right in Hindi, but they set each other free. Riddhi, हम बात करेंगे आपसे। आपका जो किरदार है, एक दिखाया गया है जामिया से मिलाकर, आपका जो किरदार है पूरा जामिया से रिलेटेड है। उसके अलावा इतनी सारी कहानियाँ हैं आपके किरदार के अंदर, तो क्या महसूस किया आपने उस पूरे एक्ट के दौरान? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, यू नो, शूट करने का, बिकॉज बहुत ही राउंडेड, वेल राउंडेड कैरेक्टर है, और बहुत बहुत मेहनत की गई है, जो जो जिस तरीके से लिखा गया है बहुत मेहनत के साथ लिखा गया है। लॉकडाउन में यू नो पूरी टीम ने, जो राइटिंग टीम थी, डायरेक्टर थी, उन्होंने रीवर्क किया स्टोरी को, और गहराई से उन्होंने यू नो चेंज किया बहुत सारी चीज़ें। तो आई फील लाइक बहुत टाइम मिला, और हमें उसकी वजह से बहुत प्रेप करने को मिला। एंड आस्था सीमिंगली बहुत ऑर्डिनरी यू नो हाउसवाइफ है, लेकिन जब आप उसको यू नो उसकी बातें सुनेंगे, उसको दूसरे लोगों के साथ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ए वो कितनी सिमिलर है हम सब से, लाइक थोड़ा बहुत हम सब में आस्था है थोड़ी बहुत, और दूसरा ये कि वो कितनी स्पेशल है। जब आप उसको देखेंगे, उससे उसकी बातें सुनेंगे, या वो कैसे इंटरेक्ट करती है दूसरे कैरेक्टर से, तो यू फील लाइक शी इज़ वेरी स्पेशल, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक एवरी वुमन इज़, मैरिड और नॉट, शी इज़ स्पेशल। एंड प्रोफेसर भी है, यू नो वो पढ़ाती है, एंड इंग्लिश लिटरेचर में उसकी यू नो टीचिंग है। सो इट्स आई लव द फैक्ट दैट इट वाज सो वेल राउंडेड। मैम, मौजूदा दौर में जैसे देखा गया टांडव को लेकर इतना हंगामा हुआ, आपके जो आपका जो किरदार है जो उसमें दिखाया गया है, एक नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का जो किरदार दिखाया गया है, आपको नहीं लगता कि क्या कुछ अगर शरारती तत्व चाहें तो उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी लाकर आपको परेशान कर सकते हैं? आई डोंट नो, आई फील लाइक यू नो मतलब हमने बहुत ऑनेस्टली बहुत केयर के साथ बनाया है, और बहुत कोशिश की है कि जो क्रिएटिविटी यू नो हमें क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही करें, और वही कोशिश की है हमने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू नो जो कुछ भी दिखाया है, इट वेंट थ्रू अ प्रॉपर स्क्रीनिंग, और बहुत केयर ली गई, टीम ने बहुत केयर ली कि आई मीन जो चाहते हैं यू नो जो लॉ मेकर्स हैं वो यही चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप क्रिएटिविटी दिखाइए। सो वो हमने पूरी कोशिश की है, सो आई होप दैट इट वर्क्स। 8 तारीख को ये स्क्रीन होगा, स्टार्टिंग होगी, तो आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इससे? व्यूअर्स को मैं बस यही कहना चाहूँगी, गिव इट अ शॉट। आस्था को यू नो एक मौका दीजिए आपको एंटरटेन करने का, उसको जानने की कोशिश करिए। पीपलिका, आस्था, हेमंत, एजाज और पूरी फैमिली आस्था की आपका वेट कर रही है, और आई होप आपको पसंद आए।